आजकल पहाड़ों में बरसात का मौसम है। चारों तरफ प्रकृति की सुंदर और मनमोहक छटा है। सब कुछ कोहरे से ढका हुआ है और नदियाँ और झरने उफान पर हैं। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र में आपका स्वागत है। ये उत्तराखंड का एक पारंपरिक और छोटा सा गांव है। यहाँ सारे मकान मिट्टी और पत्थर से बनाए गए हैं। क्योंकि बरसात का समय है तो पहाड़ों में ज़्यादातर लोग सुबह सुबह अपने जानवर लेके जंगलों की ओर निकल पड़ते हैं। आजकल जंगलों में हरी भरी स्वादिष्ट और पौष्टिक घास होती है जो जानवरों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। पहाड़ों में सबसे ज़्यादा संघर्ष गांव की महिलाएं का होता है। वो जंगल में जानवरों के साथ साथ घास और लकड़ियाँ भी काटती हैं। देखिए महिलाएँ कैसे खतरनाक जगह पर घास काट रही हैं। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा मुझे परेशान करती है वो है जंगली जानवरों का डर। आजकल उत्तराखंड के गांवों में जंगली जानवर जैसे बाघ, भालू और सुअरों का आतंक बढ़ गया है। वो किसी भी समय इन महिलाओं पर हमला कर सकता है। हालांकि महिलाएं भी ये बात जानती हैं, परंतु ये उनकी मजबूरी है क्योंकि उन्हें ये काम करने ही होंगे। घरों में छोटे बच्चे बेसब्री से अपनी माँ का इंतजार कर रहे हैं। गढ़वाला जिंदगी बहुत अच्छी छे, पर सुंदर बाग सब चीज परेशान करना खुणे छी। कुछ अन्न पानी कुछ नहीं होने देना छी खेती में, यहाँ हम ते बहुत परेशानी छे। नहीं तो हमारी जिंदगी घर गढ़वाली जिंदगी बहुत स्वतंत्र छे। तब भी हम अपनी खेती पाती थे छुटन नहीं चाहना छवा कि हम ते बहुत अच्छो लगो छा अपन खेती बाड़ी करनी, पर परेशानी कारण हो सुंगर कुछ होने नहीं देना ची, बांदर कुछ होने नहीं देना ची, इले ही तब भी पर हम फिर भी करना ही छो कि ये हमारी स्वतंत्र भूमि च। और बाघ उगे बहुत डर च, जग जाना छो हम सब दगड़े दगड़े जाना छो कि दगुड़ करी के कि तब हम ते कोई डर भानी हुएली, अगर आल भी तो हम बंडे अड़गा सकदों। तो आगे खेतों में घास देखिए तो बहुत सारा घास इस खेतों में छूट चुका है क्योंकि यहाँ बाघ के डर से कोई लोग आ नहीं रहा था। लेकिन अब थोड़ा सा काम वाम हल्का हो गया घर का तो लोग एक साथ आने लगे हैं इस साइड और घास काटने लगे हैं। जरा जरा करके खेत खाली होने लगे हैं। ये देखिए नीचे चाची लोग घास काट रही हैं और अभी भी काफ़ी खेत हैं जिनमें बहुत सारा घास है और मम्मी इस साइड काट रही है घास। तो जैसे अभी आपने माँ से सुना कि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है महिलाओं के लिए और उन्हें दिन भर काम करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों कितनी संघर्ष वाली लाइफ है। चल नहीं पा रही है लेकिन घास ले जाना इम्पोर्टेंट है क्योंकि घर पे गाय है। पहले उसके थन को पानी से साफ करना होता है। अगर गांव के पुरुषों की बात करें तो वो लोग भी आजकल अपने जानवरों के साथ जंगलों में चले गए हैं। इसके साथ साथ वो जंगलों से जंगली मशरूम जिसे लोकल लैंग्वेज में चू कहते हैं वो भी लाते हैं। इसके अतिरिक्त गांव के पुरुष कुछ दिनों पहले खेतों में बुआई जुताई का काम कर रहे थे जिससे वे अपने लिए खेतों में कुछ अनाज उगा पाए। जंगल में एक और जानवर का निशा मिला है तो इसे हम शोला कहते हैं, जो अपने पीछे कांटे छोड़ता है। तो ये उसका कांटा है, देख सकते हैं हम कितना नुकीला होता है। दोस्तों जब हम इंसान उसके पीछे जाते हैं तो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए इस कांटे को छोड़ता है। ये आप देख सकते हैं कितना नुकीला कांटा है ये। और यहाँ गांव के कुछ घसेरी मिल चुकी है हमें जो घास चोरी करने के लिए आई है बगीचे में, और ये गाय भी ला रखी है अपनी।
ये एक पारंपरिक उत्तराखंडी मकान है जो बना हुआ है मिट्टी और पत्थर से मिलकर। यह मकान लगभग 200 साल पुराना है। ये एक पहाड़ी रसोई घर है। यह चूल्हा मिट्टी की लिपाई से बनाया हुआ है। इसमें तीन चूल्हे हैं जो एक साथ तीन बर्तनों में रखे गए पानी को या कुछ भी सामग्री को पका या गर्म कर सकते हैं। इसमें खाना लकड़ी के सहारे बनाया जाता है। तो ये बन रहे हैं उत्तराखंड के पारंपरिक पकवान स्वाले, पूरी, भूड़ी और पकौड़ी। और ये तैयारी हो रही है रस्सी बनाने की, जिससे हमारे भैले जो चील की लकड़ी होती है छिल्लू, उसे बांधने की। इस रस्सी से हम उसे बांधने वाले हैं। और दोस्तों ये है छिल्लू, चील की लकड़ी, जिसे हम अभी फाड़ रहे हैं और इसके हम गट्ठी बना रहे हैं। आप देख सकते हैं वो गट्ठी बना रहे हैं और इसे हम रस्सी से बांधने वाले हैं और उसके बाद इस पे आग लगा के भैले खेलने वाले हैं। यहाँ पे लोग सामूहिक रूप से एक जगह पे इकट्ठा होके भैला खेल रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से खेला जाता है भैला। पुराने समय में उत्तराखंड में गाए जाने वाला थड़िया चौपला गीत। अगर गांव के मौसम की बात करें तो यहां पर हर प्रकार का मौसम रहता है। सर्दियों में कड़ाके की ठंड के साथ साथ बर्फबारी होती है और बरसात में खूब बारिश होती है। गर्मियों में भी मौसम बढ़िया सा रहता है, परंतु न जाने क्यों उत्तराखंड के लगभग सभी जंगलों में आग लग जाती है, जिसका पता मुझे आज तक नहीं चला कि ऐसा क्यों होता है। उत्तराखंड के गांव में बाघ का भय सबसे अधिक होता है। यहां गांव में बाघ घुस गया है और लोग उसे भगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उत्तराखंड में युवाओं की बात की जाए तो उन्हें भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं है जितना शहरों में है, और ना पहाड़ों में बच्चों को उतनी सहूलियत मिलती है जितनी शहर में बच्चों को मिलती है। हालांकि गांव के बच्चे भारतीय सेना में जाने को तत्पर रहते हैं। वैसे तो उत्तराखंड के गांवों की जिंदगी बड़ी ही व्यस्त और संघर्ष से भरी पड़ी है, परंतु यहां लोग किसी सामूहिक कार्य जैसे शादी ब्याह में काफी उत्साह से हिस्सा लेते हैं। उत्तराखंड में कौथिक सबसे अच्छा समय होता है या सबसे अच्छा स्थान होता है, जहां आप अपने पुराने मित्रों और सगे संबंधियों से एक ही स्थान पर मिल सकते हैं और खूब सारी मौज मस्ती कर सकते हैं। उत्तराखंड देवभूमि, यहाँ सबसे ऊंचा स्थान अगर किसी का है तो वो है देवी देवताओं का, जिनके सामूहिक रूप से एक जगह पर पुजाई होती है। ये मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा।